तो मिसेस कपूर जी बोली, मैं आज रैंप पे वॉक किया, मेरी नीलामी हुई, किसी पराई लड़के के साथ डिनर के लिए गया, सब आपके लिए किया, राइट? तो क्या अब आप मेरे लिए कुछ कर सकती हैं? क्या आप मेरे साथ अब डिनर खा सकती हैं? हाँ, डिनर तो मैं आपके साथ करूंगी ही, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आप डिनर करने गए थे तो फिर आपने डिनर खाया क्यों नहीं? हाँ, तो कैसे कर सकता था, तुमने कहा था ना कि आज हम डिनर साथ में करेंगे। हाँ, लेकिन अगर डिनर भी नहीं खाया तो फिर इतनी देर कैसे लग गई? हाँ, वो यार हम बाकी चीजों में इतनी बिजी हो गए कि डिनर का ख्याल ही नहीं रहा। मतलब? कुछ नहीं यार, मैं उससे बार बार पूछ रहा था कि उसकी फिल्म की कहानी क्या है और वो बता नहीं रही थी। उसने कहा कि बड़े पर्दे में देखो, वो भी टिकट खरीद कर। बस उसके बाद मैंने अपना वही पुराना टॉपिक पकड़ लिया, उसको चाइल्ड बर्थ के बारे में सब कुछ बता दिया और उसको ये भी सिखाया कि नैपी बांधने का सबसे अच्छा तरीका कैसे है, वो टेबल क्लॉथ होता है ना उससे। Are you serious, Mr. Kapoor? आपने ये सब बातें की सोफी के साथ? Why? What is the big deal? यार आगे जाके उसको ये इनफॉरमेशन हेल्पफुल होगी ना? बेचारी सोफी। वाह, नहीं खाना मत खाओ, मैं खा रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी। मैं आपको सिर्फ डिनर में दिलचस्पी है मिस्टर, डेट में बिल्कुल नहीं। क्या? अब कुछ नहीं, आप खाना खाइए ना, खाना खाते हुए ना आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच, सबको प्रोमोज बहुत पसंद आ रहे हैं जी, बस फिल्म सुपर हिट हो जाए। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, बाय। मे आई आस्क यू समथिंग? श्योर। एक्चुअली ना आपका वो गाना है ना आला रे आला, उसमें बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत फिट। सो आई वांटेड टू नो कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस हैं जो करते हो, या क्योंकि मैं ना कॉलेज के दिनों में बहुत डांस करती थी। ओह, लेकिन जब से तीन बच्चे हुए हैं आई हैवन्ट बीन एबल टू, और ये फैट ना थोड़ा ढीट हो गया है। तीन बच्चे? आपके तीन बच्चे हैं? लेकिन आप तो बहुत फिट लगती हैं। Really? Yes. एक सीक्रेट बताऊं? सॉन्ग शूट से पहले ना हम सब थोड़ा एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं। हाँ, और डाइट भी करना पड़ता है। मैं पंजाबी हूँ, मुझे खाने का बहुत शौक है। One second. ओहो, फोन। हस्बैंड्स। हाँ बेब। हाँ नेहा, कहाँ हो तुम? मैं घर पे अकेले वेट कर रहा हूँ। हैं? क्यों? क्यों? नेहा, आज तुमने जो मेरी इंसल्ट की है ना, मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब प्रिया राम पे बोली लगा सकती है, तुम मेरे पे बोली क्यों नहीं लगा सकती थी? किसी ने भी मुझ पे बोली नहीं लगाई। At least you could have done it for me, यार। और अब मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि मेरे साथ तो कोई डिनर पे गया नहीं, पर घर पे खाना बना नहीं है, इसलिए प्लीज घर पे आओ और कुछ खाना बनाओ, मुझे भूख लग रही है। नो नो नो, तो मैं आ रही हूँ ना, बस थोड़ी देर बाद आई एम आउट। रीजन में यहाँ हाउ कैन शी डिस्कनेक्ट द फोन यार? हस्बैंड्स यू नो। नो आई डोंट। यस, यू आर सिंगल ना? यस आई एम। More important question. कहाँ चले? जहाँ भी आप जाना चाहो। Are you sure? क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम अपने हबी के पास वापस जाना चाहती हो, घर पे। No, no, मैं वैसी vibes में से नहीं हूँ जो हबी अभी करती really? रहती है। Actually ना, आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि एक तो मैंने plans बनाए थे और जो मैं भूल गई। Oh. And plus ना, he's feeling little bad क्योंकि किसी ने उस पर bid नहीं किया। I think मुझ पे rely कर रहा था, घर की मुर्गी दाल बराबर and all of that. Sort of. So mean. Actually उसका ना मेरे बिना काम ही नहीं चलता। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा भी उसके बगैर काम नहीं चलता। That is right. और अब what to do? वैसे तो हम काफी independent है, लेकिन जब मैं उसके साथ नहीं होती हूँ ना, मैं उसे बहुत miss करती हूँ। So sweet. You know, एक बात बताऊँ, ये image तो glamorous वगैरह वो सब तो चलता रहता है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि मैं एक die hard romantic हूँ। Really? और आज मैं दो इतने प्यारे कपल से मिली हूँ, इट मेक्स मी वांट टू फॉल इन लव एंड स्टे इन लव। इतनी सारी सीक्रेट्स बताई हैं, अब मैं तुम्हें एक बताती हूँ। बताओ। लेकिन टू स्टे इन लव यू हैव टू डू व्हाट आई से।
कभी भी अपने पति को ना ये एहसास नहीं होने देना कि तुम उसे कितना प्यार करते हो. रियली कितना कैसे. मिस्टर कपूर उठिए. क्या हो गया? आई ओके? व्हाट हैपेंड? अरे एक मिनट. हाँ बोलो क्या हो? हुआ कुछ नहीं है. डॉक्टर को बुलाओ. हॉस्पिटल चले. व्हाट हैपेंड बोलो तो. अरे कुछ नहीं हुआ है. हलवा चाहिए. हलवा, गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है. हो क्या गया तुमको? ठीक है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो खा लेंगे ना कल सुबह. सुबह नहीं, अभी खाने का मन हो रहा है. अभी? अच्छा ठीक है. मैं गोपाल काका से बोलता हूँ, वो बनाता. नहीं, गोपाल काका से इतनी रात को गाजर का हलवा बनाऊंगी तो खा ही नहीं पाऊंगी गिल्ट की वजह से. अरे आप कहीं से लेकर आइए ना. अरे मैं इतनी लेट कहाँ से. अच्छा किसी 5-star होटल में मिलेगा. मैं जी 5-star होटल का गाजर का हलवा खाऊंगी. उसमें गाजर कम होती है, गार्निशिंग ज्यादा होती है. मुझे तो छज्जू हलवाई का गाजर का हलवा खाना है. एक वो तो बंद होगा ना इस वक्त. छज्जू के हलवाई का सुबह खा लेंगे ना. सुबह वहाँ चले जाएंगे. मुझे अभी खाने का मन है तो मैं सुबह क्यों वेट करूंगी. अरे लेकिन छज्जू की हलवाई बंद होगी ना इस वक्त, मैं कैसे लाऊंगा. मत लाइए ना. सीधे सीधे बोलिए ना कि आप नहीं कर सकते. वैसे तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं मिस्टर कपूर की. मुझसे इतना प्यार करते हैं, जो मैं कहूंगी वो कर सकते हैं. एक गाजर का हलवा तो आप ला नहीं सकते. अच्छा ओके सॉरी यार, ये क्या है. तुम ऐसे तुम रो मत यार. ओके मैं तुम्हें प्यार नहीं. मैं अभी अच्छा मैं अभी जा रहा हूँ यार. ये मैं मेरा बट कहाँ है मेरा बट. मैं जाता हूँ. तो बोलेगा काजू डालेगा थोड़े एक्स्ट्रा. ये लो तुम्हारा. अरे यार गाजर का हलवा आ गया है गरम गरम. प्रिया गरम गरम गाजर का हलवा. अरे गाजर का हलवा छज्जू की हलवाई का. कपूर टाइम क्या हो रहा है? आपने मुझे इतनी रात को सोते हुए इसलिए जगाया क्योंकि आपको गाजर का हलवा खाना है. अभी क्या हो गया तुझे? मुझे नहीं खाना है यार ये. हेलो प्रिया एक मिनट, तुम शायद जरा नींद में हो. मैं गया तुम्हारे कहने पे छज्जू की हलवाई के पास, उसके हाथ पैर जोड़े, उसको जगाया, रिक्वेस्ट किया, उसने खुद अपने हाथों से बनाया. फिर मैं घर में किचन में सब कुछ खोल के सर्व करी. देखो कितना गरम गरम है, खाओ ना. Are you serious? आपको पता है मुझे आजकल कितनी मुश्किल से नींद आती है मिस्टर कपूर. दिन में भी मेरे को लेटने के लिए नहीं मिलता. इतनी मुश्किल से मैं सोई थी और अब एक गाजर का हलवा देके मुझे उठा रहे. I mean, what is wrong with you? आप इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं? ये तुमने ही तो कहा था. प्लीज बहस मत कीजिए. इतनी रात को आप मुझे उठा रहे गाजर का हलवा खाने के लिए. मैं सो सकती हूँ प्लीज. मुझे नहीं खाना है ये सब. हद है मिस्टर कपूर, आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए कि कोई सो रहा है उसको उठा दिया आपने. नींद नहीं आ रही मुझे. इतनी मुश्किल से मुझे नींद आई. सॉरी यार सॉरी. सो जाओ. सॉरी सो जाओ. आपको खाने के अलावा और कुछ नहीं सोचता मिस्टर कपूर. आपको खाने के सामने मेरी नींद की भी कोई वैल्यू नहीं है. अरे यार बड़ा सही किया तूने जो फोन करके यहाँ मिलने को बोला.
कितना टाइम हो गया हमने पूल नहीं खेला ना साथ। अच्छा बता हुआ क्या है, इतनी रात को क्यों फोन किया? यार सब उल्टा सीधा हो रहा है यार। I can't understand कि वो क्या रहा है। रात को in the middle of the night वो उठती है, मुझे उठाती है, फिर गाजर का हलवा डिमांड करती है, वो भी छज्जू के हलवाई का। मैं भाग के जाता हूँ बोरी विली, उसके पैर पड़ता हूँ, उससे बनवाता हूँ गरम गरम, वापस लाता हूँ एक्साइटेड, उसको उठाता हूँ तो वो भूल गई है, and then she gets angry with me, मेरे को डांटती है, ये हो क्या रहा है यार? तो तूने इसलिए मुझे इतनी रात को फोन किया? तो और किसको फोन करूँ यार? I need to know what is going on. तेरे से ज़्यादा experience किसके पास है? तू तो तीन बार ये ऐसे इस हालत में हो गया था यार। हाँ यार, तीन बच्चे तो हैं, but अब इतने साल हो गए ना, अब याद थोड़ी रहेगा यार। तो याद कर यार, please. I need your help. देख, मैंने इंटरनेट पे रिसर्च की थी, मैं जानता हूँ कि क्रेविंग्स होती हैं, बट ये उल्टा सीधा बिहेवियर ही क्या है? मतलब कभी प्यार करती है तो कभी डांटती है, what is going on? इन चीजों को हॉर्मोन्स, तुम्हें पता है हॉर्मोन्स क्या होते हैं? ये ऐसे कीड़े होते हैं ना जो कहीं भी कभी भी अटैक कर देते हैं, और वो भी विदाउट वार्निंग। बेचारी हमारी अच्छी खासी बीवियों को भी ना ऐसी भयंकर बना देते हैं कि बस देख के पसीना आ जाए। ओके, ड्रामा कम, बेसिक हिंदी में समझा यार। बेसिक हिंदी तेरी लैंग्वेज में समझाता हूँ। यू नो बाप बनना इज लाइक शेयर मार्केट। मतलब प्रॉफिट वाली डील, एक्साइटिंग? नो, अनप्रिडिक्टेबल, रिस्की, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जरा से चूके और प्रॉफिट सीधा सब कुछ डूब गया, फैक्ट्री लग जाती है आंसुओं की। तेरे को पता है क्या, बाप बनना दुनिया में ना सबसे डेंजरस काम है, बट अगर बनना है तो ये सब तो सफर करना पड़ेगा। तो फिर क्या करना चाहिए हमें यार? अभी तो सिर्फ शुरुआत है राम, 2 महीने हुए हैं सिर्फ, 7 महीने बाकी हैं। ड्रिंक ले और इंजॉय कर, बहुत जरूरत पड़ने वाली है ऐसे तुझे। और तुझे क्यों लगता है मैं इतनी ड्रिंक क्यों पीता हूँ? पता है क्यों? ये 3-3 बच्चों के बाद ना मुझे तो लगता है नेहा के जो हार्मोनल चेंजेस है ना परमानेंट हो गए हैं। 1 मिनट में कहती है आई लव यू, दूसरे मिनट स्टूपिड तुमसे शादी क्यों की मैंने। कम ऑन यार, यू हैव टू डील विद इट, जस्ट लिव विद इट। बेसिकली चंद्रमुखी से ज्वालामुखी बनने में ना सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं विदाउट एनी वार्निंग। क्या करें, आप बनना है तो ये सब तो भुगतना पड़ेगा ना यार। सोम्या, प्रिया पुत्र ने खाना खा लिया ना? जी दादी, और अभी अपने मायके गई है प्रिया भाभी, वहाँ शिप्रा आंटी तो उन्हें ठूस ठूस के खिलाएंगी। ओ भाई, ओ मुझे भी आवाज वार दे दिया करो, हाँ कमाल की खुशबू आ रही है। ओ मम्मी जी, वो क्या है ना कि वो आयशा के राज में मैं उबला शुबला अंग्रेजी खाना खा के ना बोर हो गया था, तो अब आएगा मजा, पराठे वो भी पंजाब के मक्खन मार के। और मामा जी, आपके लिए तो खास बैंगन की सब्जी भी है। बैंगन? हाँ, क्योंकि आप भी तो बिल्कुल बैंगन जैसे हैं ना, कभी इस थाली में लुढ़क जाते हैं तो कभी उस थाली में। उड़ा लो मजाक उड़ा लो। अरे मजाक की बात छोड़िए, ये बताइए शाइनी जी कि आपकी आयशा से बात हुई? जी उस गद्दार का नाम मत लो। ओ, मैं उस गद्दार से बात करूंगा? ओए शाइनी का भी तरह ईमान है, मैंने उसकी आवाज क्या, मैंने उसका नाम भी सुनना बंद कर दिया है, और मैंने तो अपने फोन से उसका नाम भी डिलीट कर दिया है। हा? मामा जी, आपका फोन आपके कमरे में बज रहा था। अच्छा हाँ जी, अरोड़ा साहब, बुरी बुरी क्या हाल है? मामा जी, आयशा बोल रही हूँ। हाँ जी, समझ गया जी, समझ गया। आप मुझे वहाँ की हर एक खबर देने वाले थे, भूल गए आप? वो खबरें तो टीवी पे होती हैं जी, अखबार में होती हैं, फोन पे तो अफवाहें होती हैं। अच्छा, तो सब साथ में हैं। अरे शाइनी, तू किससे बातें कर रहा है? तू फोन रख और खाना खा। वो जी वो दीमक लग जाती है ना जी, वो जो चिपक जाती है, वो कंपनी वाले पूछ रहे हैं कि दीमक लग गई है क्या? मैं दीमक हूँ? नहीं नहीं जी, नहीं। मामा जी, शर्म नहीं आती आपको? इतने साल आपने मेरा नमक खाया है। मामा जी, जलेबी खाएंगे आप? वाह, जलेबियां खाई जा रही। मामा जी, ये मत भूलिए कि मैं आपके बहुत राज जानती हूँ, अगर मैंने वो खोल दिए तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितने लॉयल। मेरा नाम लेकर बात कीजिए। नाम? वीमक का नाम? मामा जी, आयशा बोलिए। मामा जी, किससे बात कर रहे हैं आप?
मामा जी जोर से आयशा बोलिए। आयशा। और जोर से आयशा। अरे शाइनी तू ठीक तो है ना? आए शाम दोपहर के बाद तो दिन को लग जाए तो लकड़ी बर्बाद। वाह जी वाह 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 वाह। मामा जी दीमक कंपनी वालों को शेर सुना रहे हैं आप? और शायर दिल इंसान हूँ यार, और जब दिल में जख्म हो जाता है शेर निकल आता है, है? जी है जी। हाय गुड इवनिंग। मेरा जाना। तुम आ रही हो? ओके ऑफिस की पार्टी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑफिस पार्टीज कितनी बोरिंग होती है मिस्टर कपूर। यार देखो इट्स गोना बी अ गुड पार्टी यार, अब म्यूजिक होगा, खाना होगा, डांसिंग होगी, विल हैव फन। अच्छा ठीक है जाके तैयार होते। अरे यार नेहा मेरी बात तो सुन लो यार, तुम सुनते भी तो नहीं हो ना मेरी। अच्छा यहाँ तो मत लड़ो कम से कम। मुझे कुछ नहीं सुनना पैटी, प्लीज अपने फ्रेंड से कहो मुझे कुछ नहीं सुनना है। अच्छा जो भी है खत्म करो ना यार, आई एम सॉरी प्लीज। देखा तुमने सॉरी कह ही दिया ना, क्योंकि वाकई में तुमने कुछ गलत किया है और वाकई में तुम एक चीटर हो। आई एम डिसगस्टेड विद यू। अरे यार कोई चीटिंग नहीं की, मैं तुम्हें सच ही बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बाथरूम गया था, बाथरूम से। प्लीज विक्रम। अरे एक मिनट व्हाट इज रॉन्ग विद यू पीपल यार, एक तो ऐसे अंदर आ रहे हो, ऊपर से ये क्या बातें कर रहे हो, व्हाट इज गोइंग ऑन। ये तू बाथरूम जाने के लिए डांट क्यों पड़ रही है, तुझे परमिशन लेनी पड़ती है क्या? चुप कर, ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। तुम चुप करो और मेरे फ्रेंड को डांटो मत। यू नो व्हाट हैपेंड कल रात को ना? कहाँ गए थे? मैं कहाँ जाऊंगा नेहा, मैं तो बाथरूम गया था, बाथरूम से आ रहा हूँ, वो पानी ज्यादा पी लिया था ना। अब तुम ही बताओ, हमारे बेडरूम में बाथरूम है लेकिन वो वहाँ नहीं गया, बाहर वाले बाथरूम में क्यों जाता? और वहाँ पे मुझे वैले पार्किंग की टिकट भी मिली, और हमारी गाड़ी जो थी ना जो साफ थी सडनली गंदी थी, अंदर टायर मार्क। यू टेल मी इजंट ही लाइंग? अरे नेहा तुम तो जासूस बन गई हो यार। यू नो जब हस्बैंड धोखेबाज बन जाते हैं तो औरतों को भी जासूस बनना पड़ता है। डोंट बी अ ड्रामा क्वीन यार, क्या बोल रही हो ये सब? राम चल तू उसको सच सच बता मैं कहां था, मैं बता इसको मैं तेरे साथ था कल रात। मेरे साथ कैसे हो सकता है, मैं तो सो रहा था। ओए मरवाएगा तू क्या, बता ना इसको मैं तेरे साथ था, झूठ क्यों बोल रहा है? तुम उसे क्यों कह रहे हो झूठ बोलने के लिए? राम आई एम प्राउड ऑफ यू, देखो इसकी तरह सच्चा बनो। बिल्कुल मुझे क्या पता तू कहां था, मैं तो अपनी बीवी के साथ था, चुपचाप सो रहा था। रहने दो, अब तो मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। तुम कल जहां भी थे ना वहां पे चले जाओ, जिसके साथ भी थे ना उसी के साथ रहो, मैं और मेरा फ्रेंड यहां पे बातें करेंगे। यार मैं इसके साथ तो तुम ओके 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 सॉरी नेहा, वो सच बोल रहा है, वो मेरे साथ ही था। हाँ सुनो राम प्लीज, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो इसका साथ देने के लिए? अरे वो मैं सच कह रहा हूँ यार, मैं उसे होटल ले गया था अपने साथ। हाँ सही तो बोल रहा है यार वो। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? नेहा देखो कल ट्यूसडे था, मैं बहुत टाइम बाद राम से मिला था, तो हमने बैठ के दो ड्रिंक्स पी ली यार। अब घर आके बताता कि तुम मैंने ट्यूसडे को ड्रिंक किया तो तुम गुस्सा नहीं होती, मना करती हो ना तुमकी ट्यूसडे को ड्रिंक्स नहीं लेनी, इसीलिए नहीं बताया बस। एंड माइंड यू मेरे को पिलाने वाला यही था। अरे तो मैंने ये थोड़ी बोला था कि बीवी से बोलना मत। कम ऑन यार तुम अगर पिए तो बोलना, हर अच्छा पति अपनी बीवी से झूठ कभी नहीं बोलता। ओके करेक्ट, सीखो अपने फ्रेंड से कुछ। हां विक्रम तुम लोग कब आए? बस अभी आए। देखो ना मुझे पार्टी में ले जाने की जिद कर रहे हैं मिस्टर कपूर, अब आई कांट डिसाइड व्हाट टू वेयर। अब लेट मी आस्क हिम ओनली, बताइए क्या पहनूं? जो तुम पहनना चाहती हो पहन लो। अच्छा मेरा मन तो इसे पहनने का है, पर इसे पहन के मैं मोटी तो नहीं लगूंगी ना? हाँ बता ना, अपनी बीवी से झूठ थोड़ी बोलना चाहिए, बता ना मोटी लगेगी या नहीं? नहीं पर मतलब लगूंगी मोटी? नहीं मैंने कहा ना नहीं लगोगी मोटी। हाँ कहा लेकिन कहने के लिए 2 सेकंड लिए आपने।
इसका मतलब आप कहना कुछ और चाहते थे और मुझे खुश करने के लिए आपने झूठ बोला। इट्स ओके, आई नो इट कि मैं मोटी हो गई हूँ। अरे भैया, यू आर प्रोबेबली फीलिंग अ लिटिल ब्लोटेड, दैट्स ऑल। ब्लोटेड? ब्लोटेड का मतलब भी तो मोटा ही होता है। आई नो कि मैं मोटी हो गई हूँ, इट्स ओके मिस्टर कपूर। अरे मैंने ऐसा कब कहा, तुम मोटी नहीं हो रही हो यार। ज्वालामुखी चंद्रमुखी। एक मिनट, ओके, एक मिनट। नेहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे साथ ही था कल रात को, ओके? नाउ टेक केयर माय वे। थैंक यू। देखा, सच बोल रहा था मैं। तुमने ना अभी तक सच बोला नहीं है, सच तुम्हारे फ्रेंड ने बोला है। तुमने अभी तक कुछ भी एडमिट नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से तुम अभी भी झूठे हो। यू आर अ लायर और मैं ना लायर से बात नहीं करती, सो बाय। मैं इस साड़ी में मोटी तो नहीं लगूंगी। तुम अपने पति से पूछो, वो तो सच बोलेगा, अनलाइक माय हस्बैंड। अरे नेहा बात सुनो यार। बट विक्रम, मैं इस साड़ी में मोटी तो नहीं लगूंगी। इससे पूछो ना, इसको सच बोलने का बहुत शौक है। बता नेहा। अरे लिसन गाइस, व्हाट्स हैपनिंग, बताइए ना सीधे सीधे, मैं मोटी हो गई हूँ क्या? यार ओके, देखो तुम थोड़ी सी मोटी शायद हो गई हो, बट तुम अभी भी बहुत बहुत अच्छी लग रही हो। देखा, एक्सेप्ट कर लिया ना आपने कि मैं मोटी हो गई हूँ। आई न्यू इट, आई नो मैं हॉरिबल लगती हूँ आजकल, है ना? रहने दीजिए मिस्टर कपूर, इट्स ओके, आई टोटली अंडरस्टैंड। इनफैक्ट मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, इतने दिनों तक मैं आपको आपके वजन का आपका मजाक उड़ाती रही, मोटा कहती रही। आई नो हाउ इट फील्स नाउ, इट फील्स हॉरिबल, आई एम सो सॉरी। मैं आपको मोटा मोटा कह के चिढ़ाती रही। यू नो वॉट, एक्चुअली मैं आपके साथ जाना कहीं डिजर्व ही नहीं करती। आई एम नॉट गोइंग टू दिस पार्टी एंड आई एम सॉरी मैंने आपको मोटा कहा। अरे प्रिया प्रिया प्रिया, मेरी बात तो सुनो यार। पार्टी में नहीं गए आप? नहीं, वो मैंने सोचा तुम नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जाता। इतनी इम्पोर्टेंट ऑफिस की पार्टी थी, आपका जाना जरूरी था ना? इससे ज्यादा जरूरी नहीं। क्या है? गाजर का हलवा, मैंने खुद गरम किया तुम्हारे। आपने खुद गरम किया? गैस चलाई आपने गोपाल काका की मदद के बिना? नहीं, वो माइक्रोवेव में गरम किया। अरे कितने बटन्स होते हैं माइक्रोवेव में, क्या जरूरत थी आपको मेरे लिए इतनी परेशानी झेलने की? वेरी फनी, अब तुम खाओगी भी कि नहीं? ट्राई तो करो यार। सॉरी, थोड़ा ज्यादा गर्म है, मैं खिला दूं। अमेजिंग, बिल्कुल छज्जू हलवाई वाले गाजर के हलवे का टेस्ट है इसमें। वहीं से तो लाया था कल रात को। आप गए थे कल हलवा लाने? मुझे लगा मैं सपने में, तो मुझे जगाया क्यों नहीं? जगाने की कोशिश की थी लेकिन तुमने मुझे डांट दिया। I'm sorry, वो पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया है। I mean, come on, भाई, इतना भी बुरा नहीं हुआ यार। आपसे किसने कहा कि आप बुरे हैं? आप तो मेरे favorite husband हैं। Favorite मतलब क्या, कितने husband हैं तुम्हारे? अरे ऐसे बोलते हैं favorite। I'm sorry। बस कर, ये लो। बहुत amazing है। पता है जब पीयू होने वाली थी ना, एक दिन दुबई में मैं डॉक्टर के क्लिनिक पे गई, तो एक शेख अपनी बड़ी प्यारी सी वाइफ के साथ वहाँ पे है, एंड सडनली शी सेड खीर खाने का मन हो रहा है मुझे। कैन यू इमेजिन, दो घंटे में वो शेख भागा भागा गया, खीर उसने कहीं से अरेंज की होगी, बनवाई होगी, लेकर आया, उसे खिलाया, तब जाके वो सेटिस्फाई हुई। एंड यू नो व्हाट, उस समय मैंने आपको बहुत मिस किया।
काश मैं उस वक्त खैर छोड़ो यार, हमने क्या डिसाइड किया कि हम पिछली बातें नहीं सोचेंगे, आगे का सोचेंगे, राइट? अच्छा अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन तुम अपना मूड खराब नहीं करो। क्या हुआ? पहले एक बार बैठ कर। क्या बोलेगा? You won't spoil your mood ना, गुस्सा नहीं होना था। नहीं होगी, बताइए। तुम चाहे कितनी भी मोटी हो जाओ, मुझे तुम उतनी अच्छी लगोगी। I will still always think you are the most beautiful woman in the world. और मैं एक्चुअली पतला इसलिए नहीं हो रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जितनी भी मोटी क्यों ना हो जाओ मेरे से पतली। शीली। तुम रो क्यों रही हो? अरे मैंने क्या I'm sorry, मैंने क्या कह दिया? What is the problem? तुम रो क्यों रही हो? अब कितने अच्छे हैं। इस पे रोने की क्या बात है? अरे why are you crying यार? I'm sorry, मैंने क्या कर दिया? मैंने आपको कितनी बार मोटा मोटा कह के चिढ़ाया, लेकिन आपने कभी बुरा नहीं माना। आज मुझे realize हो रहा है कि जब आप कोई मोटा कहे तो कैसे लगता है। Sorry। अरे छोड़ो यार, तुम ये लो, ये लो। No, I've been very mean to you. I'm sorry. मैं आपको हलवा खिला के मेकअप करना चाहती हूँ। तुम मुझे हलवा खिलाओगी? हाँ, क्यों? नाश्ते में कुछ हेल्दी खाओ, कॉर्नफ्लेक्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, ओटमील खाओ, लेकिन नहीं। विक्रम is absolutely ready to चंद्रमुखी। क्या? क्या कहा विक्रम ने? नहीं कुछ नहीं, तुम खिलाओ। पहले बोलिए मुझे माफ कर दिया। अरे ऑफ कोर्स यार। सॉरी। आपने काजू भी डलवाए उससे? हाँ हाँ, और ये बादाम भी। So sweet, thank you so much. But you know what? I'm feeling miserable कि मेरी वजह से आप ऑफिस की पार्टी में नहीं जा पाए आज। अरे यार, पार्टी मिस हुई तो क्या बात है? मैच मिस नहीं होगा ना? What? एक मिनट। आप पार्टी में इसलिए नहीं गए क्योंकि आपको मैच देखना था? मैंने सोचा तुम्हारे साथ बैठ के। मेरे साथ मैच? मैंने कभी आपके साथ मैच देखा है मिस्टर कपूर? आपको पता है मुझे मैचेस देखना अच्छा नहीं लगता। फिर ये हलवे का ये सब बहाना आपने मैच देखने के लिए किया? I don't believe this यार मिस्टर कपूर, I'm I don't know what to do with it. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.